चंद्रमा पर विक्रम लैंडर के उड़ान भरने के हॉप एक्सपेरिमेंट के बाद एक और प्रयोग के तहत कुछ हफ्ते बाद ही चंद्रयान 3 का प्रणोदन मॉड्यूल यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में आ गया है। इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके एक और कामयाबी हासिल कर ली है। जी हाँ, जो चंद्रयान 3 का हिस्सा यानी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के चक्कर लगा रहा था, उसे इसरो अब पृथ्वी की कक्षा में वापस ले आया है। अब वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये वही हिस्सा है जो पृथ्वी की कक्षा से विक्रम लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक ले गया था। इस प्रयोग में सफलता के बाद अब इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए नए मिशन की जानकारी दी है। एस सोमनाथ ने बताया कि इसरो ने चंद्रमा की सतह पर इंजनों को फिर से चालू करने का कारनामा कर दिखाया है। साथ ही साथ ये भी बताया कि एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में वापस लाया जा सकता है। ऐसे में अब इसरो चंद्रयान 4 की दिशा में आगे बढ़ने लगा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने वापस लाना है। सोमनाथ ने कहा, नमूना वापसी मिशन बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें कई स्तर पर परेशानियों का सामना करते हुए सफल होना होगा। इसके लिए चांद के नमूने को एकत्र करना, उसके बाद यूनिट को मिशन तक लाना जो चंद्रमा से उड़ान भरेगी, फिर चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचना और फिर ऐसे एक ऐसे अंतरिक्ष यान की जरूरत भी होगी जो पृथ्वी की कक्षा में वापस भी आएगा। इसके बाद यूनिट को अलग होने और पृथ्वी की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान से जुड़ने की जरूरत है। इस मिशन की सफलता के बाद चांद पर मनुष्यों को भेजने में भी आसानी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि पीएमओ ने हाल ही में इसरो के लिए एक रोड मैप सार्वजनिक किया था, जिसमें 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने का लक्ष्य शामिल है। आप इसरो के भावी मिशनों को लेकर कितने उत्सुक हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।